तो ऊर्जा सर्वव्यापी ऊर्जा है, हर चीज में ऊर्जा है, हर व्यक्ति, हर चीज जो कि जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था में, नहीं का चाहे वो स्टोन है, हमें लगता है स्टोन में तो जान नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। हर वस्तु में, हर कण में एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस आप लोग समझते हैं? हाँ मैडम, तो आपने सुना होगा ऋषि मुनि पत्थरों से बात कर सकते थे, या पेड़ पौधों से बात कर सकते थे, जानवरों से बात कर सकते थे। तो हर चीज को आप अपने पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट कर सकते हो। हर चीज में एक जान होती है। हम लोग अपने घरों से प्यार करते हैं, सब लोग अपने घरों से प्यार करते हैं ना, तो जी हमें, मैडम बिल्कुल। है ना, तो हमें घर भी अलाइव लगता है। तो हर चीज एक अलाइवनेस से भरी हुई है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी मृत नहीं है। वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि हर चीज छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। साइंस कितने लोगों ने पढ़ी है? साइंस पढ़ी हुई है लोगों साइंस ने? मैडम, साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है हम, पर 10th 12th में पढ़ा था। तो हर चीज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूमते रहते हैं और वो बदलते रहते हैं अपना रास्ता। तो वो चीज़, क्योंकि उनमें अपनी एक इंटेलिजेंस है, एक एटम बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत माइन्यूट होता है, पर उस एटम को भी अपना बैलेंस बनाना पता है और वो जागृत अवस्था में है। तो हम अपनी थॉट्स और इमोशंस, इसके बारे में पूरा हम पूरा महीना चर्चा करते रहेंगे। थॉट्स और इमोशंस कैसे काम करते हैं, वो ऊर्जा का रूप कैसे ले लेते हैं, और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग और चीज़ों को भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये था हिस्ट्री ऑफ रेकी। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। तो डॉक्टर उसुई जो थे, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स रेकी के बनाए। तो एक उन्होंने प्रिंसिपल जो रेकी का बनाया है वो था, जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल इसलिए बनाए कि जब आप क्रोध करते हैं तो क्रोध आपके शरीर में विनाश रूप ले लेता है, आपकी बॉडी में आपको तंग करता है। क्रोध से ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपकी हृदय गति को इम्पैक्ट करते हैं, आपके हार्ट हार्ट को, लंग्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करते हैं। उनमें एक नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी सांस, हमारे ब्रेन पैटर्न्स, हमारे न्यूरॉन्स में टॉक्सिक एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। अब दूसरे प्रिंसिपल पे आऊंगी मैं, और वो कनेक्टेड है। तो एंगर, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो आपने देखा होगा जब एंगर, जब आप गुस्सा होते हो तो आपकी घर की वाइब्रेशन बिगड़ जाती है। आपने क्रोध करा, जिस व्यक्ति पे क्रोध करा वो परेशान हो गया, वो परेशान हुआ, वो गुस्सा होके आगे किसी और पे गुस्सा करा, उसका गुस्सा कहीं और गया। आपने शायद एक कहानी शायद सुनी होगी, नहीं तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि एक जो था बॉस था, वो अपने जो उसका एम्प्लॉय था, उसको गुस्सा आया, उसने एम्प्लॉय को गुस्सा करा कि तुमने काम ठीक से नहीं करा, तुम काम चोर हो, और अपना गुस्सा उस व्यक्ति पे निकाल दिया। अब वो व्यक्ति तो बेचारा एम्प्लॉय था, तो मालिक को वो क्या बोले, तो वो कुछ नहीं बोला, बट अंदर ही अंदर उबलता रहा। अब उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, जब वो घर में गया तो इरिटेटेड था, गुस्सा था, तो उसने अपना गुस्सा निकाला, अपनी किस पे निकाला होगा, बीवी पर। तो उसने अपनी बीवी पे गुस्सा निकाला, दो चार लाते घूसे जो भी होता है मियाँ बीवी में, उसने पूरा गुस्सा बीवी पे निकाला। अब बीवी परेशान हो गई, अब बीवी किस पे निकाले, उसने पीटा अपने बच्चों को। तो मैं आपके लिप्स को रीड कर सकती हूँ, तो आप लिप से भी बोल सकते हैं, उसने पिटाई लगा दी अपने बच्चे पर, बच्चे को क्यों पीटा। अब बच्चा गया पार्क में, बच्चे को आ रहा था गुस्सा, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने किसको मारा, कुत्ते को। तो उसे मारा कुत्ते को, उसने अपना गुस्सा निकाल दिया कुत्ते पे, उसे कंकड़ पत्थर फेंके, डंडा मारा, अब कुत्ते को आ गया गुस्सा। तो बॉस जो है कहीं वहीं से जा रहा था, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा होगा, तो कुत्ते ने किसको काटा, बॉस को।
तो ये एक साइकिल पूरी पूरा आप देखो कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए एक गुस्से की साइकिल के अंदर। तो इसको कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। आपने गुस्सा करा, आपने एक अपने एम्प्लॉय को बुरी तरह से डांट दिया, वो लौट के किसके ऊपर आया? उस व्यक्ति को आया, उसको टांके लगाने पड़ गए और वो कुछ दिन घर पे रहा होगा, उसका फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा, बहुत सारा नुकसान हुआ होगा। तो ये पूरी साइकिल गुस्से की अगर हम तोड़ दें, अगर गुस्से से ना करके प्रेम से प्यार से वो साइकिल करी जाती तो उसके ऊपर नहीं आता। तो ये जो कर्मास की हम बात करते हैं, तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप भुगतोगे। तो अगर हमें गुस्सा आ रहा है, हमें अगर इरिटेशन हो रही है और हमने एक किसी भी एक कमजोर इंसान पे अपना गुस्सा निकाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं लौट कर स्वयं के पास आता है। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो आज के लिए इस प्रिंसिपल को कितने लोग फॉलो करेंगे तो वो अपना हाथ उठाएंगे, फिजिकल हैंड भी उठा सकते हैं, डिजिटल हैंड भी उठा सकते हैं, सब लोग फॉलो करेंगे। इसको अवेयरनेस में लाइए। ये हमें ना ज्ञान की तरह से मत लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान तो मिलता है बहुत, हम लोग जाते हैं और ज्ञान लेते हैं। आज के दिन अवेयरनेस, क्योंकि अब आप रेकी में आ रहे हैं तो आपको अवेयरनेस कॉन्शियसनेस जागृत जागृत होना है, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली जाते हैं वैसे के वैसे हो जाते हैं, अवेयर नहीं रहते कि हमने आज प्रॉमिस लिया था और इसको हम नहीं करें। तो आज के दिन हमने क्रोध नहीं करना, इसको एक जागृत अवस्था में प्रैक्टिस करना है अवेयरनेस के साथ। ये नहीं कि इस 2 घंटे के बाद, क्योंकि कल मैं पूछूंगी किसने प्रैक्टिस करा इसको पूरा दिन ईमानदारी से, इसलिए नहीं कि आपको सबके सामने दिखाना है, ईमानदारी से। तो आज के लिए क्रोध नहीं करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। मैं एक एक प्रिंसिपल पे बहुत डिटेलिंग में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, आपका थॉट्स और इमोशंस का इन्फ्लुएंस पूरे ब्रह्मांड पे आता है। ये जो ब्रह्मांड है, अभी मैंने बात करी थी, ऊर्जा से बनी हुई है, सर्वव्यापी ऊर्जा। तो इस ब्रह्मांड में एक भी वाइब्रेशन होती है तो पूरा ब्रह्मांड को हम मिला देते हैं। तो दूसरे प्रिंसिपल पे आते हैं, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। तो मैं नोट्स के बारे में बात कर रही थी, तो अभी जो है क्या कर रहे थे, चिंता शुरू हो गई, नोट्स मिलेंगे या नहीं, क्या मिलेगा। तो जब आप वरी करते हैं, जब आप चिंता शुरू कर देते हैं, जब आप फ्यूचर में चले गए, जगह जब आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये मिलेगा या नहीं, रेकी काम करेगी या नहीं, घर पे आज का खाना मैं ठीक से बना पाऊंगी या नहीं, तो आप वरी करने लगते हो। तो जो फ्यूचर होता है वो कभी नहीं आता, फ्यूचर नेवर कम्स। तो वरी जो है चिंता चिता समान है, आपने सुना हुआ है, प्लीज नोट करें हेड को कि आप, मुझे पता चल जाएगा कि आपको पता है, चिंता चिता समान है। तो क्या कर रहे हो आप वरी करके, चिंता करके, मेरे बच्चे का क्या होगा, उसका करियर बनाएगा या नहीं, वो पास होगा या नहीं, उसको पैसा मिलेगा या नहीं, बहू के साथ बनेगी या नहीं, तो पति को आगे इंक्रीमेंट होगा या नहीं, बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में कोई हमारे साथ रहेगा या नहीं, बीमारी तो नहीं लग जाएगी। तो ये सब थॉट्स क्या हैं, ये सब चिंता है। तो चिंता जब आप करते हो तो आप प्रेजेंट टेंस में नहीं रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं रहते हो। चिंता करने से आप अपने शरीर का नुकसान करते हो। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। तो आप लोग कौन कौन, मैं थोड़ा सा शेयरिंग लेना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं कौन कौन लोग, क्या क्या चिंता, किस चीज की चिंता लगी रहती है, तो आप लोग शेयर करेंगे, चिंता शेयर करिए, किस चीज की चिंता है आप लोगों को, सोनाली जी बोलिए। वैसे आपने जो बताया ना, वही डेली रूटीन की हमारी चिंता होती है, बच्चों के बारे में, अर्निंग के बारे में, फिर घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके बारे में, ये सब चिंता रोज लगी रहती है। तो अभी अपनी हेल्थ हमने की भी चिंता होती है तो अभी हमने क्या सीखा है, चिंता नहीं चिंता करनी नहीं है। करनी है। तो आज के लिए हमने क्या करना है, आज के दिन चिंता नहीं करनी है, चिंता चिंता आज समान के है। दिन
हमें अवेयर रह के करना है कि हमारा कुछ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे अवेयर रह के सब चीज छोड़ देनी है भगवान के ऊपर, या तो जो होना है होना, ऐसे जीना है। जी श्रुति जी, श्रुति जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते श्रुति जी। बस वो चिंता इसी बात की है कि भाई बच्चों का फ्यूचर, एडमिशंस, या जैसे मेरा बेटा 10th में है तो मुझे अभी उसी की चिंता है भाई वो पढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस है तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो पढ़ रहा है तो वो क्या पोजीशन पढ़ रहा है, और फिर आगे उसका फ्यूचर कैसे रहेगा, एडमिशंस कैसे होंगे। ये मेजर है मेरे लिए, इस पे भी आएंगे। तो अभी हमने बात करी है कि चिंता नहीं करनी, तो हमें रिलैक्स रहना है। तो क्या करना है हमने श्रुति जी, चिंता करनी है? नहीं, आज के लिए बोलना है कि आज मैं कुछ नहीं चिंता करूंगी। हाँ, जस्ट फॉर टुडे। हाँ, तो इसको हम एक पॉजिटिव तरीके से डालेंगे कि आज के लिए मैं प्रसन्न रहूंगी, आज के लिए मैं रिलैक्स रहूंगी, आज के लिए लिख लीजिए इसके लिए। तो हम लोग आज के लिए मुझे रिलैक्स रहना है। अगर कंसिडर करो कि आज आप रिलैक्स रहोगे तो आप कैसे कितना काम कर पाओगे अपने जीवन में? शायद जो भी काम चिंता करते करते जो छोड़ देते हैं वो एक्स्ट्रा काम सारे ढूंढ के निकाल देते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो क्योंकि आपकी चिंता से कुछ आप अच्छा कर पा रहे हो अपने बच्चे के लिए? नहीं, कर नहीं पा रहा है। उसके ऊपर प्रेशर जरूर दे रहे, बेटा पढ़, नहीं तो फिर एडमिशन कैसे कराऊंगी, पढ़ तूने तो अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो भी रहेगा। तो आपने अपनी चिंता आगे दे दी, बेटे को चिंता में डाल दिया कि वो अगर ये नहीं होगा तो उसका फ्यूचर कैसे होगा। सही कहा। तो आपने आगे, जैसे वो कुत्ते वाली कहानी हमने पढ़ी करी थी पहले, उसमें तो आपने आगे चिंता बेटे को दे दी, बेटा चिंता किसको देगा, दोस्तों को दे सकता है। तो हम चिंता फैला रहे हैं एक्चुअली में, जो थॉट्स हम सोचते हैं वो हम उन्हें ट्रांसमिट करे जा रहे हैं। और वो प्रेशर शायद आप हस्बैंड को भी देती होंगी, कहाँ कहाँ देते हो वो चिंता वरी? हस्बैंड और बच्चे। अपनी चिंता खुद तो आप परेशान हो ही और आगे उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये वाइब्रेशन देखिए कि ये वाइब्रेशन जो है चिंता की, एक वाइब्रेशन है, एक अपने एनर्जी, एक वेव हमने शुरू कर दी। एक तो हम शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम चिंता की बात करते हैं, तेरा फ्यूचर नहीं बनेगा। तो उसको अभी से थॉट पैटर्न हमने दे दिया कि भैया तू लाइफ में अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, आगे तेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार है अगर तूने पढ़ाई नहीं करी। और क्या ये सच है? नहीं मैम, उतना प्रेशर नहीं है, बस इतना कहा है कि बेटा अगर करेगा तो तुझे ही बहुत फायदा रहेगा, अगर नहीं करेगा तो देन आई कांट ऑल्सो हेल्प, तेरी मेहनत तुझे काम आएगी। उतना भी नेगेटिवली नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो जरूर प्रेशर जरूर दिया है। देखिए नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है ना, चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो। और बच्चा जो होता है उसके दिमाग में बहुत जल्दी जल्दी ये छोटी छोटी बातें चली जाती हैं। तो जो प्रेशर हम देते हैं वो आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर कितनी ज्यादा सीटी मारता है, कई बार फट जाता है और नुकसान हो जाता है। तो जो प्रेशर आप ले रहे हो कि इसके फ्यूचर का, अभी आने वाले टाइम में मैं बात करूंगी पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव ऊर्जा की, कि रादर देन वरी हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट ले सकते हैं कि आई विल नॉट वरी, मैं चिंता नहीं करूंगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आज बच्चे को प्रेशर ना देके क्या करोगे, आज उसके लिए अच्छा खाना बनाओगे, उसको अप्रिशिएट करोगे। आज के लिए आप सबका होमवर्क है, आप किस किस को अपने कॉपी पेंसिल में लिखिए, आप किस किस चीज के लिए वरी करती हैं। ओके, आप किस किस चीज से लेके चिंतित हैं, आपका बच्चों के लिए चिंतित हैं, अपनी सेहत के लिए चिंतित हैं, ये सब लिखिए, आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं लिखिए, किस किस एरिया में आपको चिंता है। सब लोग लिख रहे हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे सब लोग लिखते हुए। या मैम लिख रहे कि आपका कौन कौन सा एरिया है जिसके बारे में आप वरिड हैं, आपको लगता है ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पे जो लोग नहीं है वो लोग आ जाएं, कोकिला जी, मल्लिका जी,
अंजलि जी, सब लोग आ जाइए। आप लोग बहुत, सब लोग सुंदर हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट करके हमें अच्छा ही लगेगा। वीवो 1902 अपना रीनेम करके अपना एक्चुअल नेम लिख के आ जाइए। तो आप लोग लिखिए कि ये वरी आप लोग करते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, वरी करने का इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ हो रहा है, इस चीज़ की अवेयरनेस में लाइए। जो आप चिंता करते हैं, प्रेशर करते हैं फैमिली मेंबर्स को, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, उसका असर है कि आपका रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। जब आप बच्चे को, क्योंकि हम जो चिंता करते हैं उसका हमें इम्पैक्ट नहीं दिखता, उसका असर नहीं दिखता हमें। तो क्या जिन लोगों को हम अपनी चिंता दे रहे हैं, हम अपना डर, हम अपनी वरी दे रहे हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि आपकी चिंता किसी चीज़ को लेके है, उसका इम्पैक्ट क्या है? जैसे कि मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं कई बार, मैं अपनी मदर, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चिंता करती थी, पर जब मैं वरी करती थी अपनी मदर की हेल्थ के लिए, तो मैं उन पर शाउट करती थी कि नहीं, तुम अपना ध्यान नहीं देती हो, तुम वर्कआउट नहीं करती हो, और वो बेचारी नर्वस हो जाती थी और परेशान हो जाती थी। तो मैंने अपनी चिंता, क्योंकि मेरे को लगता था इनको कुछ हो ना जाए, तो मेरी चिंता उनके, उनको जो है इरिटेट करती थी, उनको परेशान करती थी, और वो थोड़ा सा फिर मुझसे बात करना बंद कर देती थी, वो मुझे अवॉइड करती थी। तो ऐसी आपकी जो बच्चा है वो आपको अवॉइड करेगा, जहाँ आप ज़्यादा उनको अपनी चिंता उन पर निकालोगे। तो कहाँ कहाँ आपकी रिलेशनशिप पे आपकी चिंता इम्पैक्ट कर रही है, इस चीज़ को आप देखिए, अपने इस चिंता के इम्पैक्ट को देखिए। कहाँ कहाँ आप क्रोध कर रहे हैं और वो आपकी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है। आपको लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया, घर के लोग, बच्चे आपसे छुपाना शुरू कर देते हैं, वो आपको झूठ बोल देंगे कि हमने तो पढ़ाई कर ली है, क्योंकि आप उन्हें बार बार कर रहे हो। तो कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे कि आपकी चिंता का असर आपके रिलेशनशिप पे कहाँ कहाँ पड़ रहा है ऑथेंटिकली, क्योंकि जितना आप ऑथेंटिकली शेयर करेंगे उतना आपको अवेयरनेस होगी। क्योंकि मैं ये एक वो नहीं चाहती हूँ, मैकेनिकल कोर्स नहीं चाहती हूँ ये बने, आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर पाए, तो ये मेरी कमिटमेंट है। तो कोई शेयर करना चाहेगा कि आपकी चिंता से आप कहाँ इम्पैक्ट डाल रहे हो? एक्चुअली जैसे जब मैं चिंता करके, अब सुनाई नहीं दे रहा, आप कौन है, नाम बताइए कौन। हेलो, हाँ नमस्ते मैम, मैं श्रुति बात कर रही हूँ। जी श्रुति जी, जी जब मैं ऐसे चिंता करके अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, तो कभी कभी अगर वो ठीक है, वो संभाल लिए तो ओके, लेकिन अगर वो किसी और बात पे चिंतित होते हैं और जिसमें अगर मेरी बात ऐड हो जाए, तो फिर वही बच्चों को बुला के डांट के उनको समझाना, या समझाना और कभी कभी उसमें थोड़ी सी डांट भी लगा देना, बेटा तू कहाँ लैपटॉप के ऊपर गेम्स में टाइम पास कर रहा है या बच्चों के साथ खेल रहा है, ये तेरा फ्यूचर है। और लेकिन एज अ पेरेंट हमें भी लगता है, क्योंकि बच्चे क्या है ना, थोड़े अपने रूटीन से अभी जैसे ऑनलाइन है बोल के भूल जाते हैं, और वो क्या करते हैं लैपटॉप में काम करते करते गेम्स खेलने लग जाएंगे, चैट करने लग जाएंगे, वीडियोस देखने लग जाते हैं, कुछ और मूवीज देखने लग जाते हैं। तो एज अ पेरेंट कभी हमारा भी काम रहता है कि उनको बार बार रियलाइज कराए कि बेटा नहीं, इट इज योर फॉर फ्यूचर, तुमको अभी 10th है और तुमको अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि बच्चे भटक जाते, इसीलिए हम लोग बार बार बोल के उनको रियलाइज कराने की कोशिश करते कि भाई ये 10th है आपका, आपका फ्यूचर है, इसीलिए आपको पढ़ना है। वो बात तो ठीक है, बट वरी की बात कर रही हूँ मैं कि जो आप कर रहे हो वो तो आप ठीक कर रहे हो, पर आप चिंता से, देखिए जब बैकग्राउंड में चिंता होता है, डेल्सी जी जस्ट गिव मी वन मोमेंट, तो चिंता से ना करके कमिटमेंट से आप एक्शन ले रहे हो। जब चिंता होती है तो आप इरिटेबली बोलोगे, तो दोनों वो हो जाता है कभी कभी सर्कमस्टेंसेस के कारण या कुछ होता है, तो हम जरूर उनको डांट लगाते हैं, अरे तेरे को कितनी बार बोलते हैं, अक्ल नहीं आ रहा, मतलब डांट लगाने में कोई परेशानी नहीं है, चिंता में परेशानी है। तो डांट तो आप लगा सकते हो, बट जब आप चिंता हो रहे हर समय वरी में रहते हो तो अपने को इम्पैक्ट डालते हो। डांट तो बच्चों को कई बार हम प्रेम से करते हैं, उनकी भले के लिए करते हैं, बट आप हर समय चिंता में रहते हो तो वो आपके लिए कष्टदायक है। थोड़ी सी चिंता रहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ी जैसे मतलब ओबेसिटी भी है, अस्थमा है, तो मैं अपना ट्राई कर रही हूँ अगर डाउन करने के लिए, तो सारा टाइम वही चिंता होती रहती है कि यार
होगा या नहीं, होगा या नहीं बोल के ऐसा, मतलब बहुत क्वेश्चंस चलते रहते हैं मेरे दिमाग के अंदर। तो चिंता को चिंता को आप रिप्लेस करिए विद एक्शन, क्योंकि आप चिंता कर रहे हो, एक्शन क्या ले रहे हो ओबेसिटी के लिए, एक्शन क्या ले रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, तो कुछ भी नहीं मैम। तो जब आप के, तो इसका मतलब आप तो चिंता में डूबे हुए, आप एक्शन नहीं ले रहे हो श्रुति जी। जी तो कितना आसान है चिंता में जाना और जीवन में एक्शन नहीं लेना। तो श्रुति जी जो हम एक महीने में ये काम करेंगे तो ये एक मैकेनिकल काम नहीं होगा, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको चिंता से मुक्ति करनी है तो हमें एक्शन की तरफ आना पड़ेगा जीवन में। क्या आपको एक्शन लेने चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, तभी तो आपकी चिंता दूर होगी। चिंता से तो आपको हेल्थ नहीं मिलने वाली है, एम आई राइट? चिंता से तो आपका बच्चा पढ़ने नहीं वाला है। तो आप लोग क्या एक्शन ले सकते हैं कि बच्चा पढ़े? तो आप एक्शन लेने वाले, क्या एक्शन लेने वाले हो आज की क्लास के बाद कि आपकी हेल्थ अच्छी हो? और मैं सब लोगों से बात कर रही हूँ, ये सिर्फ एक से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहां हम चिंता करते हैं हम एक्शन नहीं ले रहे होते जीवन में, क्योंकि हमारा, और यही एक ऊर्जा है, ऊर्जा का ये बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जो वरी की ऊर्जा है, वरी चिंता की जो ऊर्जा है, वो हमारा फोकस हो गया कि ये काम नहीं होगा, मेरी हेल्थ क्या होगी, रादर देन मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या कर सकती हूँ। तो आपका फोकस बीमारी पे है, आपका फोकस हेल्थ की तरफ नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा, इसको ये ज्ञान की तरफ नहीं लेंगे, इसमें आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को जरा चलाएंगे कि मैं अपना लाइफ में वरी कर रही हूँ या मैं एक्शन ले रही हूँ उस चीज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। Did you get it? आपको मिला मैं क्या कह रही हूँ? Yes, madam. ठीक है, डेल्सी जी आप क्या कहना चाहती थी? Yes, ma'am. Actually, ये जो चिंता की बात हो रही है ना, तो जो चिंता एंजाइटी से ही मुझे आज से 6 महीने पहले शुगर आया है। बताइए। अभी नॉर्मल आ रहा है, शुगर और थायराइड दोनों है। थायराइड मुझे 4 साल से और शुगर लास्ट 6 मंथ है, 6 से भी ज्यादा। तो मैंने लॉकडाउन में सब योग और सब करके मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो चिंता से बहुत सेहत पे बहुत, देखिए सेहत के साथ हम खेल। और आपने जैसे बोला ना रिलेशनशिप, तो मेरा चिंता का जो है सब्जेक्ट वही है रिलेशनशिप। मेरा अभी 1 वीक पहले ही डाइवोर्स हुआ, तो वो मैं बहुत उसमें डिप डाउन डिप्रेशन में चली गई। तो डेल्सी जी, रेकी का मेरा रीजन ये सीखने का यही है कि मुझे इसमें से बाहर आना है। तो डेल्सी जी देखिए, अब आपका फोकस कहाँ है कि डाइवोर्स हो गया मैं अकेली रह गई, राइट? और आप क्या चाहते हो सॉल्यूशन भी है, और फ्यूचर का क्या चिंता है आपको? क्या होगा, क्या होगा मेरा भी आगे क्या होगा? आई एम 35 इयर्स ओल्ड, तो ये सब वरीज होती है। सब बोलते हैं ना कि अभी लाइफ अकेले नहीं निकलती, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए लाइफ में, वो सब बोलते हैं, तो हम हमारे दिमाग में चिंता है। हाँ, तो एक ये बहुत अच्छा जो चला हुआ है हमारी सोशली एज ह्यूमन बीइंग्स कि सब डराते हैं। एक्चुअली हम एक दूसरे को डराने का काम करते हैं कि क्या होगा, तुम अकेले रह गए हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या होगा क्या होगा, होना तो वही है जो मंजूर है खुदा होगा, एक दिन सबने जाना ही है। बट लेकिन डरा डरा के जीवन क्यों जीना है? एक दूसरे को डराने का हम काम कर रहे हैं, मतलब एक डर और वरी की एनर्जी हम दे रहे हैं, तो वो एनर्जी से बचना चाहिए। अब डेल्सी जी अपने जीवन में देखिए कि आपको एक्शन, अगर आप चाहते हो कि मैं जीवन में डाइवोर्स होके चुका है और मैंने जीवन में वरी नहीं करना, मैंने खुश रहना है और मैंने अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढना है, तो आपका जो फोकस ऑफ माइंड है वो कहाँ होना चाहिए डेल्सी जी? यस मैम, फोकस कहाँ होना चाहिए? अभी तो मैं मेरे करियर में फोकस कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम डूइंग जॉब इन रिलायंस डिजिटल एज अ सीआरएम मैनेजर, तो मेरा फोकस उसमें भी अभी ज्यादा हो गया है कि डिपार्टमेंट मैनेजर में बन गई हूँ उसमें, तो आगे उसमें बढ़ना है। और साथ में ये भी कोई लाइफ पार्टनर कोई अच्छा हो तो वो लाइफ में होगा ही, भगवान सब अच्छा ही करेगा, लेकिन थोड़ा डर रहता है फ्यूचर का कि क्या गलत बंदा ना मिल जाए, राइट?
तो हमें चिंता हाँ, फ्यूचर की लगी हुई है। तो जब हमारा हमारे बैकग्राउंड में हमारे माइंड में चिंता से हम ऑपरेट कर रहे हैं कि अरे एक बार मेरे साथ बुरा हो गया, दोबारा बुरा ना हो जाए, तो यही एनर्जी चले जा रही है, यही वरी की चिंता कि दोबारा गलत ना हो जाए, दोबारा गलत ना हो जाए, तो लाइफ में क्या होगा? क्योंकि अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि जो हम सोचते हैं, जो हम इमोशंस लेके बैठे होते हैं, वो बॉडी में बीमारी। आपने डायबिटीज, देखिए हम कितने बड़े क्रिएटर, हमने डायबिटीज भी क्रिएट कर ली अपने लिए। तो जब आप कल हम कल के सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही करेंगे काम कि कैसे हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, तो चिंता ना करने की जगह हमारा जो फोकस ऑफ माइंड है कहाँ होना चाहिए कि आई विल गेट अ वेरी गुड पार्टनर इन लाइफ, मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, और मैं जो हूँ जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर पाऊंगी, तो वहाँ पे होनी चाहिए एनर्जी, रादर देन कि जो हो गया सो हो गया। देखो वरी जो होता है, इंसान जो है पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर आने वाला है, पास्ट चला गया है, जीना हमें प्रेजेंट मोमेंट में है, ना आप फ्यूचर में जी सकते हो ना आप पास्ट में जी सकते हो। तो जो वरी है वो हम पास्ट पे बेस्ड फ्यूचर में डाल देते हैं, पिछली बार ऐसा हुआ था तो आगे भी जीवन में ऐसा होगा। जब आप पास्ट में रह के पास्ट की नेगेटिविटी को पकड़ के फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे साथ दोबारा गलत आदमी ना मिल जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो हम तो पास्ट में ही अटके हुए ना, पुरानी चीजों में ही अटके हुए हैं, तो आगे फ्यूचर हमारा अच्छा नहीं होने वाला। जब हम वरी करके नए व्यक्ति को ढूंढेंगे तो हम पुराने चश्मे से नए व्यक्ति को देखेंगे, और पुराने चश्मे से ये देखेंगे अरे ये उस व्यक्ति के ऊपर सस्पिशन रखेंगे कि भैया ये बंदा ठीक है या नहीं, इसको मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे कि इसमें ये कमी तो नहीं है, वो कमी तो नहीं है, तो वो रिलेशनशिप को आपको इम्पैक्ट करेगा। रादर देन वरी अबाउट द फ्यूचर, एक्शन ले, लोगों से मिले। आप 35 ईयर ओल्ड हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं, और किस चीज़ का डर है? आपने डिवोर्स से आप निकल आए हो ना, तो डर क्यों है कि दूसरा बंदा भी ऐसी मिलेगा? तो डर को छोड़ना पड़ेगा, वरी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वरी में तो लाइफ आपकी हर समय वरी रहेगी, वरी का तो पैटर्न है। अगर एक बार आपको अच्छा बंदा नहीं मिला तो जरूरी थोड़ा दूसरी बार भी नहीं मिलेगा, तो उसकी जगह वरी को छोड़ के क्रिएशन की तरफ जाना पड़ेगा कि हाँ एनीथिंग इज पॉसिबल, मैं जीवन में नया व्यक्ति क्रिएट कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने पाँव पे खड़ी हूँ, किस बात की चिंता है? समझ रहे हो आप? तो अभी तो वरी को छोड़ के कि उससे रिलेट करना कि मैं पावरफुल हूँ और मैं फ्यूचर क्रिएट कर सकती हूँ, एक नया पार्टनर जो अच्छा होगा, लविंग होगा और मेरे को सपोर्ट करेगा, तो वरी को छोड़ना पड़ेगा।